आज हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक स्टीम प्रेस के बारे में. स्टीम प्रेस बोल सकते हैं, स्टीम आयरन बोल सकते हैं इसको. तो आपको दिख रहा होगा कि ये यूजुअल हमारी जो प्रेस होती है, आयरन होती है, उससे थोड़ी डिफरेंट लग रही है. और आपको ये लगेगा कि हमें इसकी क्या जरूरत है जब हमारे घर में ऑलरेडी आयरन है, क्योंकि आजकल सिंपल ड्राई आयरन भी आती है, स्टीम आयरन भी आती है उसी के अंदर. बट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये उससे अलग है, और ये बहुत बहुत जरूरी है. क्योंकि इससे, क्योंकि आपको पता है वो जो आयरन होती है उससे हम जो हमारे पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं जिसमें वर्क होता है, लहंगा है, साड़ीज हैं, वो हम नहीं आयरन कर सकते हैं. प्लस अगर आप उसको मैनेज भी कर लेते हो तो हमारे जो वुलन चीजें हैं, कोट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, स्वेटर्स हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम उस पर आयरन यूज करें. बट ये आयरन है जो हम हर तरीके से यूज कर सकते हैं, उन कपड़ों पे, पार्टी वेयर ड्रेसेस पे भी, वुलन पे भी, ब्लेजर्स पे भी. तो देखेंगे कि हम कैसे करेंगे. पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो ये इस तरीके की है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में आती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती. आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो 500 से लेके 1000, 1300, 2000 तक मैक्सिमम ये आती है. मैंने शायद ये 900 की ली थी इन अ डिस्काउंट. तो ये इस तरीके से होती है, जिसमें आपको ये दिखेगा एक वाटर टैंक जैसा है. इसमें 100, 200 और 300 ml मैक्सिमम लिखा है. तो यानी कि जब आप यहां से, ये इसकी कैप दी हुई है, और जब इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इनलेट है जिसमें आप पानी डाल सकते हैं. तो वो इसमें पानी भर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लेवल जो है वो जो मेंशनड है इतना ही होना चाहिए. अगर ये आपको दिख रहा है कि नहीं इतना टैंक है इसका और मैं पूरा भर दूं, तो वो क्या होगा, जब स्टीम बनती है तो ये मूव भी करना शुरू होती है, वाइब्रेट करना शुरू होती है, और आपको हार्म भी कर सकती है. तो जो मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर इसमें आपको बताया हुआ है, आप उतना ही डालेंगे. साथ में ये कॉर्ड है. तो ये कॉर्ड इस तरीके की दी हुई है, वैसे लेंथ इसकी काफी ठीक है. अदरवाइज आप, जैसे मैंने एक टेबल पे इसको रखा हुआ है, जहां पे भी आपको पास पड़ता है आपका प्लग्स और स्विचेस, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. फिर ये ऑन एंड ऑफ का बटन है एक, ऐसे करके. तो यहां से हम पानी डालेंगे, इधर से हम ऑन करेंगे. हमारा ये स्विच भी मेंशनड है. इसका फ्रंट है, तो ये आपको दिख रहे हैं थोड़े थोड़े होल्स हैं इसके अंदर. तो यहां से हमारी स्टीम आएगी और हम इधर से ही आयरन को यूज करेंगे. तो ये जो बटन मैं आपको बता रही थी, ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ का नहीं है, इसमें और भी फंक्शंस है, मैं आपको बताऊंगी. अगर ये सेंटर में रहता है तो ऑफ हो जाता है. अगर फ्रंट, ये जब हम इसको ऊपर करेंगे, और ये आप देख सकते हैं दो बार्स यहाँ लगे हुए हैं, यानी कि सेंटर और एक, ये तीन स्विचेस, तीन मूवमेंट होती है इसमें. एक में हम फेस स्टीम ले सकते हैं और एक में हम आयरन करेंगे. यस, तो ये मल्टीपर्पज है. आप सिर्फ इससे कपड़े ही आयरन नहीं कर सकते हो, आप अपने फेस को भी स्टीम दे सकते हो. लाइक अगर आप फेशियल कर रहे हो या विंटर्स हैं, आप थोड़ी स्टीम चाहते हो अपने स्किन पे, तो वो भी आप इस पे कर सकते हो. बिल्कुल सेफ है, इसीलिए ये दिया हुआ है, बिकॉज फेस स्टीम में जो स्टीम है वो बहुत ही स्लो आती है. तो ये तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस और सारा इसके बारे में बता दिया है. अब मैं इसको, इसका डेमो दूंगी. इसमें मैं इतना पानी भर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसीजर. मैक्सिमम लेवल है, उतना वाटर मैंने इसमें भर लिया है और प्लग मैंने कनेक्ट कर दिया है. अब मैं इसको स्विच ऑन कर देती हूँ तो ये लाइट जल जाएगी. एंड आई डोंट नो व्हाई, या अच्छा, ये कैमरा में आपको फ्लक्चुएट होती दिख रही है लाइट, बट ऐसा है नहीं, ये स्टेबल रहेगी लाइट. तो अब हम इसमें स्टीम, ये बटन ऑन किया है हमने, सो दैट हमारा जो कपड़े को आयरन करने वाला फंक्शन है उसके लिए. अब इसमें धीरे धीरे पानी गर्म होगा और स्टीम बननी शुरू करेगी. तब तक मैं दिखाती हूँ आपको. मैंने यहाँ पे एक हैंगर पे एक कपड़ा टांग लिया है. आप इस पे कोई भी वर्क वाला, या आपको अच्छे से दिखाई दे वीडियो में, इसलिए मैंने ये लिया है एक प्लेन ड्रेस. तो ये शिफॉन है और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है कपड़ा. आपको उससे आयरन करते हुए, जो हमारी दूसरी आयरन्स होती हैं हैवी वाली, उससे आपको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं जल ना जाए, बहुत ही डेलिकेट है. बट इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा. अगर आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे क्रश्ड है, तो हम इस आयरन से इसको प्रेस करेंगे. ये देखिए हमारी स्टीम बनी शुरू हो गई है और अब हम अपना आयरनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपको जो ये प्रेस है ये बिल्कुल सीधी ही पकड़नी होगी, आप इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते हो. तो मैं कोई क्रश सा एरिया लेती हूँ और वहां मैं आयरन करना शुरू करूंगी.
आपको सिर्फ इसको कपड़े के क्लोज रखना है और इसको वहां पे रब करना है। रब भी क्या, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस भी आप मेंटेन करके रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कपड़े के क्लोज जाके आपको करना है। और स्टीम की हीट से वो आयरन होता रहेगा। मैं आपको स्लीव्स आयरन करके दिखाऊंगी, वहां से तो हो गया है, स्लीव्स आप देख रहे हो कितनी क्रश्ड है, तो मैं इसको आयरन करके दिखाती हूँ। इसमें ये भी है कि हम लाइक हाफ सेकेंड या 1 मिनट के लिए इसको ऑन करेंगे, सॉरी ऑन रखेंगे, उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए ऑफ रखना पड़ता है, तो मैंने बीच में ऑफ कर दिया था। बस हाथ का ध्यान रखेंगे, अपने स्किन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टीम से जल सकता है, स्टीम बहुत ही तेज है। और ये देखिए जो स्लीव्स थी कितनी ज्यादा क्रश थी और बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो आप किसी भी डेलिकेट कपड़े को, किसी भी डेलिकेट अपने पार्टी वेयर ड्रेस को आप इससे आयरन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आयरन अच्छे से हो चुका है, जहाँ हमने नी किया वो देखिए कितना ज्यादा क्रश था और अब ये बिल्कुल अच्छे से आयरन हो गया है। तो यू कैन सी दैट, मैं ये पूरा नहीं करके दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये एक वुलन शॉल, और आपको पता है अगर आप ज्यादा आयरन या हीट इस पे यूज करेंगे तो ये श्रिंक हो सकता है या खराब हो सकता है, तो मैंने इसके लिए यही स्टीम आयरन यूज करूंगी। और ये हल्का सा इसमें फोल्ड की लाइनिंग आई हुई है जो अच्छी नहीं लगती, और हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि कहीं चीज खराब ना हो जाए, और ये हल्का बहुत क्रश है। तो मैं एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊंगी किस लाइन को हम कैसे हटाते हैं हम अपनी स्टीम आयरन प्रेस से। और मैं यहाँ पे मैंने ये हैंगर में हैंग किया है, आप चाहे तो किसी चेयर पे इसको फैला सकते हैं, कोई भी जिसमें जो हमारा क्लॉथ है वो स्ट्रेट रहे। और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक साइड से करने के बाद फ्लिप करेंगे, तो ऐसे आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो विद इन सेकेंड्स जो है हमारा जो कपड़ा है वो आयरन हो जाता है। तो ये देखिए जो फोल्ड की लाइन थी वो बिल्कुल गायब हो गई है, और अभी इस पे सिर्फ ये जो मॉइस्चर है हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो आई कैन नॉट कनेक्ट, ये साइड में मैंने अभी किया नहीं है। तो यू कैन सी कि ये बिल्कुल अच्छे से आयरन हो गया है। तो दिस इज अ वेरी आई थिंक इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट हैव थिंग इन योर होम। एंड तो ये देखिए जो हमारा फोल्ड का इम्प्रेशन था वो बिल्कुल चला गया है, और अच्छे से हमारा जो शॉल है वो आयरन हो चुका है। ऐसे ही हमारी जो वर्क वाली ड्रेसेस या डेलिकेट फैब्रिक वाली ड्रेसेस हैं उनको भी हम स्टीम आयरन कर सकते हैं, और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस आई थिंक इट इज़ अ मस्ट हैव, क्योंकि मैंने आपको बताया है 500 to 1500 की रेंज में ये इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन भी। और अगर आप बाहर देते हैं, ड्राई क्लीनर्स ने आजकल ये शुरू कर दिया है कि वो स्टीम आयरन करके देते हैं आपको आपके जो ऐसे पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। और मैंने जब अपनी सारी करवाई थी तो दे कॉस्ट मी लाइक दे चार्ज मी 200 रुपीज़ फॉर दैट सारी। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 500 to 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो इस स्टीम आयरन में, जो मैं आपको अभी फिर से दिखा देती हूँ, तो आपकी ये चीज़ परमानेंट हो जाएगी और आप इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा लाइक बड़ा नहीं है साइज में, और आई थिंक इट इज़ अ मस्ट हैव, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड थैंक यू। ये स्टीम आयरन करते हुए मुझे एक और चीज़ ख्याल में आए, तो आई शुड मेंशन इट टू यू। ये देखिए कितना क्रश था, तो ये तो आयरन हो ही रहा है। प्लस क्या होता है कि वुलन आइटम्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं कर सकते, या पार्टी वेयर हैं ड्रेसेस हमारी, तो उसमें जो आपके लाइक पसीने की स्मेल या फिर रखे हुए कपड़े में स्मेल हो जाती है वो भी स्टीम आयरन से चली जाती है, और थोड़े बहुत जर्म्स भी किल हो जाते हैं, जर्म्स भी मर जाते हैं। तो इट इज़ अ मल्टीपर्पज एंड मल्टी बेनिफिट थिंग। सो या थैंक यू।